इलाहाबाद में लगने वाला द दिकांदो मेला उसी का हिस्सा है जो 1890 में जब रसूलाबाद से द दिकांदो मेला शुरू हुआ तो उस दौरान बिजली का इंतजाम नहीं था। लोग रोशनी के लिए मशाल का उपयोग करते थे। इस मेले में भगवान की झांकियां निकलती थी। इस मेले के कारण लोगों में तेज़ी से देशभक्ति की भावना पैदा हुई। लोगों में अंग्रेज़ों के खिलाफ धीरे धीरे विरोध प्रारंभ हो गया। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए सन 1922 से 1927 के बीच मेले पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं जब 1928 में इसके खिलाफ लोगों का विरोध शुरू हुआ तो मेले पर से रोक हटा दी गई। प्रयागराज अभिलेख विभाग के पदाधिकारी अमित कुमार अग्निहोत्री के अनुसार धार्मिक मेलों में लोगों को एक दूसरे के साथ मिलने का मौका मिलता था, जिसके कारण वो अपने क्रांतिकारी संदेश आसानी से आदान प्रदान करते थे। धीरे धीरे इस तरह से मेले में देशभक्ति झांकियां भी निकाली जाने लगीं। इस मेले के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ रणनीति भी तैयार की जाती थी। इससे लोगों में देश की आज़ादी के लिए प्रेरणा मिलती थी। वहीं अंग्रेज चाह कर भी इस तरह के आयोजन को बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उन्हें धार्मिक भावना से आंदोलन और अधिक बढ़ने का अंदेशा था। इलाहाबाद में द दिकांदो का मेला पिछले कई सालों से लगता आ रहा है। यह शहर के विभिन्न जगहों पर अलग अलग दिनों पर आयोजित होता है। ऐतिहासिक द दिकांदो, सुलेम सराय, बहुरंगी रोशनी से नहाई सड़कें, नए नाभिराम चौकियां पर श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन करते कलाकार, रात जैसे जैसे बढ़ रही थी सड़क पर हुजूम बढ़ता जा रहा था। भारी उमस के बावजूद लोगों के कदम मेले की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। चांदी के हौदे पर विराजमान कृष्ण बलदाऊ की सवारी के साथ बहुरंगी ध्वज पताका लिए लोग हाथी घोड़ा आगे आगे चल रहे थे। भव्य चौकियों के स्वागत की शोभा मुरादाबाद के तहलका बैंड टीम के 15 कलाकार बेस बैंड बजाकर बढ़ा रहे थे। चौकियों पर कलाकार के संवाद स्पीकर के जरिए प्रसारित किए गए। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। बच्चे सीटी, पिपहरी, कोन, भोपू बजाकर आनंद ले रहे थे। मेला मार्ग पर की गई आकर्षक विद्युत सज्जा और कृष्ण लीला के मंचन को मंत्रमुग्ध होकर निहारते रहे। ठाकुर दीन मंदिर में विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद द दिकांदो उत्सव की शुरुआत हुई। पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी के कलाकार बने श्री कृष्ण और बलदाऊ की मंत्रोच्चार के साथ आरती की गई। हौदे पर सवार होते ही जय हो मुरली वाले, माखन चोर, बंसी वाले का जय हो गूंज उठा। मेले में चौकियां अपने परंपरागत मार्ग से निकली। मेले में शामिल 15 चौकियां कृष्ण बलदाऊ की लीला और सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता करते हुए निकली। ठाकुर दीन मंदिर से लेकर नेहरू पार्क रोड, जयंतीपुर, धूमनगंज, हरवारा, ट्रांसपोर्ट नगर, मीरापुर, मुंडेरा तक मेला सजा रहा। सरकारी उच्च न्यायालय का आदेश का पालन करते हुए हम लोगों ने डीजे लगाया नहीं है और डीजे के विपरीत हमारी चौकी पे कोई आनंद का स्वभाव नहीं है, जो कि मेले में आए हुए नर नारियों को दिक्कत भी हो रही है, सामना भी हो रहा है। कोई अगर बच्चा खो जाता है तो उसको किसी तरीके से छूना भी नहीं जा सकता। प्रशासन के डीजे न लगाने के लिए क्या नाम आपका? हमारा नाम सचिन सोनकर उर्फ जानी। खबर जगत 24 न्यूज़ प्रयागराज से एलन सिंह की रिपोर्ट।